हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी करिए। मैं पानी लेके जा रही हूँ अपने भाई के लिए। ये देखिए रास्ता, देखिए यहाँ पे बता रही है, बहुत डेंजरस प्लेस है, यहाँ घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं। डर लग रहा है फ्रेंड्स, मोर भी बोल रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे गेहूं के खेत। अभी यहाँ पर गेहूं अच्छी तरीके से सूख चुके हैं, इसलिए गेहूं की कटाई हो रही है। यहाँ पर खजूर का पेड़ भी लगा हुआ है और आसपास भी बहुत सारे पेड़ हैं। यहाँ पर लोगों की सरसों है, हमारे आवे की पर हमने हटा दी। ये फ्रेंड्स जो सामने है, ये आम का बाग है। आम के बाग के आगे ये हमारा गांव है और उसके पीछे ये सारे खेत हैं। जा रही हूँ, यानी मेरे बहुत डर रहा है। देखे साथ देखे आपका, कितना अच्छा समार है, पर इसी समार से डर लगता है। अरे भैया, ये एक्चुअली ये आम की बाग है, आम का बाग। यहाँ पे आम उगते हैं, थोड़े समय के बाद यहाँ पे आम आएंगे, हम लोग लेने भी आते हैं। कच्चे कच्चे जब होते हैं तब पकने के बाद तो वो बहुत चिड़िया उड़िया ऐसा शोर कर देती है ना, रूक आ जाती है। पत्ते सूखे सूखे, सामने को है एंड तो वहां पे था, बट यार मेरे लिए तो यार है। फ्रेंड्स, ये जो आपको सामने जगह दिख रही है, इकट्ठा सारे इतने सारे पेड़ हैं, इसे ये हमारे गांव की थोड़ी सी हॉरर जगह मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। इसके अंदर एक कुआं भी है, मैं तो आज तक इसके अंदर नहीं गई हूँ। यहाँ पे गन्ने जब अटके तो यहाँ पे जला दी गई, गन्ने की पत्तियाँ जो होती है सूखी सूखी, और यहाँ पे भी जला जाएंगी और दिनों के बाद, क्योंकि यहाँ पे गन्ने बाकी हैं। ये खेत में क्यूट से फ्लावर देखिए, ये देखिए कटीली कटिए होती बिल्कुल, जो कोई भी गाय आए बदर्द घुस के होंगे इसके अंदर, उनकी क्या हालत होती होगी। बिल्कुल इतने दिनों से लगी सूख गई, पत्तियाँ सूख गई इतने दिनों से लगी, इनके तो में बहुत रखवाली की जाती है। सर फ्रेंड्स, सिर्फ हमारा ही खेत बचे, हमारे ही खेत में गेहूँ बचे हैं, और बाकी सबके खेत खे गए हैं, सबके खेत खा गए हैं इन गायों ने, भैंसों ने, इन सब ने, भैंसे तो जानवर होती है, गायों ने और उन्हें कहा था सांड हो रहे हैं, सबके खेत खा लिए, किसी खेत में गेहूं नहीं बचे। अरे बहुत कैमरा हिल रहा है, सब फोकस करना पड़ेगा। हाँ, सबके खेत खा लिए, बस हमारा खेत बचा है भगवान की दुआ से। ये देखिए लोग, तो यहाँ पे चिड़िया इधर चिराने आते हैं। यहाँ पे देखिए बुढ़िया भी चल रही है अपने मजे से। हाँ देखिए लोग बैठे हैं खाली खेत में, यहाँ पे लोग खाली खेत में चिड़िया चला रहे हैं, और यहाँ पे ये लोग पतंगे उड़ा रहे हैं, ये बच्चे। यहाँ पे देखिए लकड़ियाँ बांध रहे हैं घर में जलाने के लिए, चिड़िया। देखिए ये सरसों का खेत है, जब सरसों निकल जाते तो ऐसे ऐसे ये डंडे खड़े जाते हैं पूरे खेत में, अगर इन पर चलो ना ये बहुत भूखते हैं। जैसे सरसों कटती है वैसे इनके डंडे जो होते हैं जड़ वड़ लड़के पुराने हिस्से के, वहाँ सरसों तो कट जाती है, ये रहा था नीचे।
फ्रेंड्स, अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।